बनाएंगे पनीर रोल। उसके लिए हमने 3 प्याज ले लिए हैं, 4 से 5 टमाटर ले लें, ये छोटे साइज के टमाटर है तो हमने 5 टमाटर ले लिया है, 1.5 इंच अदरक का ले लिया, 1 हरी मिर्च ले ली। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से ले लें। इन सबको इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। गैस ऑन करेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे, घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें ये कटे हुए टमाटर और प्याज डाल के सेकेंगे। प्याज और टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे हम सेकेंगे। इसे हाई फ्लेम में बीच बीच में चलाते हुए सेक लें। पांच सौ ग्राम पनीर को इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। एक टोपे में पानी गर्म होने के लिए रखेंगे, पानी को गर्म होने देंगे। सब्जी को बीच बीच में चलाते रहेंगे। पानी गर्म हो चुका है, अब इस पनीर को हम पानी में डालेंगे। इससे पनीर साफ भी हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। सब्जी भी सॉफ्ट हो चुकी है, अब गैस को बंद करेंगे। सब्जी को थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम पीसेंगे। इतनी देर हम 2 कप मैदा ले लेंगे, इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और पानी डालकर आटा गूंथ लेंगे। इसे नॉर्मल आटा सानते हैं वैसे ही आटा लगा लेंगे। आटा तैयार है, इसे अब हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। टमाटर प्याज भी ठंडा हो चुका है, अब इसे हम पीस लेंगे। पनीर गर्म हो चुका है, अब इसे हम छान लेंगे, पानी इसका निकाल देंगे। फिर से हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। इन दोनों को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हमारा पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छी तरह से सेकेंगे। इसे मीडियम फ्लेम में बीच बीच में चलाते हुए सेक लें। जब तक इसका तेल नहीं छोड़ दे तब तक इसे सेक लें। ग्रेवी सिक रहा है, अब इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच शाही पनीर मसाला, इन सबको डालकर चलाएंगे। इन सबको डालकर मसाले को अच्छी तरह से सेक लेंगे। मसाला सिक चुका है, देखिए पूरी तरह से कढ़ाई छोड़ दिया है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। इसे डालकर हल्के हाथों से मिलाएंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक और काला नमक 1/2 चम्मच काला नमक डालेंगे। इन सबको डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। इसे हल्के हाथों से मिलाएं वरना पनीर चूर हो जाएगा। और पनीर को थोड़ा सेक लें।
हाई फ्लेम में इसे 2 से 3 मिनट सेक ले। अब गैस बंद करें। शाही पनीर तैयार है। एक प्याज लेंगे, इसे अब हम इस तरह स्लाइस कर लेंगे। इस तरह बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लें। इसमें नींबू निचोड़ के मिला लेंगे। इसे अच्छे तरह से मिला लें। स्लाइस को थोड़ा हाथ से मसल के अलग कर लें। इस तरह प्याज को रेडी कर लें। अब हम इस मैदे से छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे और इसकी रोटी बनाएंगे। अब इसे हम बेलेंगे। इसमें थोड़ा सूखा आटा लगा लें और इसे बेल लें। इस तरह इसे बेल लें। इसे बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है। एक तरफ हमने तवा गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसे हम सेकेंगे। तवा गर्म हो चुका है, अब इसमें रोटी को सेक लें। एक साइड सिक जाने पे इसे पलट लें और घी लगा लें। दोनों ओर घी लगा के इसे लाल लाल सेक लें। इस तरह सारी रोटी को सेक लें दोनों ओर से। अब इस रोटी में पनीर का एक लाइन लगाएंगे। इस तरह एक लेयर लगा लें। अब इसके ऊपर प्याज डाल लें जिसमें हमने नींबू डाला हुआ था, और इसको इस तरह रोल कर दें। इस तरह सारे रोल रेडी कर ले और इसको सेंटर से इस तरह काट ले। इस तरह सारे रोल रेडी कर ले। पनीर रोल रेडी है। इसे गर्म गर्म सर्व करें। बच्चे भी इसे काफी शौक से खाएंगे और बड़ों को भी ये काफी पसंद आएगी।